भी मिल रहा है कि ऑफर के पहले 6 महीने रेंट भी नहीं देंगे, वो भी ऑफर्स आ रहे हैं। तो काफ़ी ऑफर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी 2 डील हमने की भी है जहाँ पे फर्स्ट 3 महीना एक जगह रेंट नहीं दे रहे हैं और एक जगह 6 महीने का रेंट फ्री है। रिटेल किंग किशोर बियानी को मनमाफिक डील मिल रही है, यही वजह है कि रिटेल में फिर थोड़ी बहुत हलचल नजर आ रही है। दरअसल बिल्डर और डेवलपर प्रॉपर्टी बाजार में आए स्लोडाउन में फंस गए हैं। प्रॉपर्टी बूम में उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे अब उनके खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं। मुंबई के वर्ली में बन रहे एक मॉल में 4 में से 1 दुकान खाली है। नवी मुंबई की रघुलीला मॉल की आधी से ज्यादा दुकानें खाली है। मुंबई के कुर्ला में बन रहे कोहिनूर सिटी मॉल 6 की बजाय अब 2 मंजिले की ही होगी। सांता क्रूज के हाईलाइट मॉल के ऊपर की 3 मंजिलों के लिए दुकानदार नहीं मिल रहे तो उसे दफ्तर बना दिया गया। बदले हालात में रिटेल स्पेस के खिलाड़ियों को थोड़ी राहत मिल रही है। रियल एस्टेट जैसे चाहिए वैसे मिल रहे हैं। पहले रियल एस्टेट मिलने के लिए कठिनाई होती थी, रेट्स की आर्गुमेंट होती थी, अब उन लोगों को हम जैसे कस्टमर की जरूरत है। प्रॉपर्टी बाजार में हालात तुरंत बदलते भी नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में मुंबई में करीब 2.25 लाख स्क्वायर फुट रिटेल स्पेस तैयार हो जाएगा, यानी मांग कम और सप्लाई ज्यादा, और इकोनॉमिक्स यही बताती है कि ऐसे हालात में दाम कम हो जाते हैं। ऐसे ऊंचे ब्याज दर पर प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे डेवलपर तो यही चाहेंगे कि कम फायदे में भी उनकी प्रॉपर्टी निकल जाए। बूम के बाद स्लोडाउन में तो ये होना ही है। मुंबई से चंद्रकांत मिश्र के साथ मनीष देसाई, अहमदाबाद। और अगर आपके पास गुंजाइश है तो ये घर खरीदने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि दिवाली पर घर के साथ सोने के सिक्के, टीवी, मॉड्यूलर किचन और कार और बाइक तक मुफ्त में मिल रहे हैं। जयपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। सिंह सिटी के बिल्डर्स प्रॉपर्टी मार्केट की मंदी से निकलने के लिए फ्री गिफ्ट स्कीम चला रहे हैं। हो सकता है घर खरीदने के साथ ही आपको गाड़ी मुफ्त में मिल जाए। डेवलपर मिल्कियत को बुकिंग के लिए कंसल्टेंट्स को, ब्रोकर्स को अच्छी अच्छी स्कीम्स भी दे रहे हैं, जिसके अंदर अपना टारगेट पूरा करने के ब्रोकरेज के अलावा अलग से भी इंसेंटिव दे रहे हैं। पहले मॉड्यूलर किचन दे रहे थे, कुछ वेल फर्निश करके दे रहे थे, कुछ लोग मोटरसाइकिल दे रहे हैं, कुछ गाड़ी दे रहे हैं। तो ये सब इसलिए दे रहे हैं कि मकान के साथ साथ उसके अंदर सुविधा भी हो जाए और मार्केट में थोड़ा उछाल आए। जयपुर में खरीदारों को अभी प्रॉपर्टी और सस्ती होने की उम्मीद है। उधर बिल्डर्स का मानना है कि इस समय बाजार में सिर्फ 80 खरीदार बचे हैं और मजबूत खिलाड़ी ही इसमें टिक सकता है। मंदी में जो अच्छे ऑर्गेनाइज, जिनकी प्लानिंग है, जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है और जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं और जो डिलीवरी कर पा रहे हैं, वही बिल्डर्स इसमें मार्केट में रह पाएंगे। हमारी रेटें ज्यादा है तो मैं सोच रहा हूँ 6 महीने रुक के लूँगा, और डाउन होने का है। ग्लोबल मंदी का रियल एस्टेट सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन इस बाजार के खिलाड़ी नए ऑफर्स के जरिए बिजनेस में जान फूंकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अनिल शर्मा, जयपुर।